हाँ करिए। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हेलो हेलो। सर, क्लास यस 9 सर, का बोलिए। रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ होगा बेटा, पता लगा लो आकर। सर आपको पता नहीं बेटा, तो सर क्या बोले हैं? तो कैसे पता करेंगे सर? स्कूल में आना ऑफिस पर पड़ेगा फोन सर। करके, ऑफिस पर फोन करके पता लगा लो। क्या चीज? सर क्या स्कूल चीज? में नहीं, टेंशन बेटा लगता सबको बंद करो, सबको म्यूट कर दो। ध्यान से सुनो, आज अलंकार, अलंकार पिछले कक्षा में पढ़ा रहे थे, आज अलंकार के बारे में बताने जा रहा है। जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले बात की ये जो अलंकार है, उपमा अलंकार, पिछली कक्षा में हम पढ़ा चुके पिछली कक्षा में कुछ अलंकार को हम बता चुके हैं, जिसमें उपमा अलंकार को पढ़ाएंगे। उपमा अलंकार फिर से एक बार अलंकार के बारे में सुन जाए। अलंकार जो है का जो शाब्दिक अर्थ होता है गहना आभूषण, जिस तरह से कोई कामिनी, कोई स्त्री अपने मुख की सुंदरता के लिए, अपने शरीर की सुंदरता के लिए आभूषण को धारण करती है, उसी तरह और जब वो धारण कर लेती है तो सुंदर दिखने लगती है, उसी तरह कविता रूपी कामनी पर जब शब्द रूपी आभूषण अलंकार को सुशोभित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो वह कविता में वृद्धि आ जाती है, सुशोभित हो जाती है। अब सातवीं सदी में इसके जो प्रवर्तक थे, अलंकार के जो प्रवर्तक थे, भामह, इन्होंने, नोट कर लो, सातवीं सदी में इस अलंकार के प्रवर्तक थे। सारे बच्चे नोट कर लें मेरे साथ, छठवीं से सातवीं सदी, छठवीं से सातवीं सदी लिख लो, छठी से शताब्दी, शताब्दी में इसके जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक जिनका नाम था भामह, भामह, इनकी पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार, इनकी पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार, काव्य अलंकार, काव्य अलंकार। इन्होंने अलंकार को दो नामों से, अलंकार को दो तरह से समझाने का प्रयास किया, एक तो सुशोभित करने वाला
और दूसरा आभूषण। इन्होंने अलंकरोति इति अलंकारः, इन्होंने कहा कि अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत किया जाए, जो सुशोभित किया जाए, जो सजाया जाए, वही अलंकार है। अब यह अलंकार दो तरह से सुशोभित किए जाते हैं, एक तो शब्द के माध्यम से और दूसरा अर्थ के माध्यम से। तो जब शब्दों के माध्यम से कविता रूपी कामिनी को सुशोभित किया जाता है तो शब्दालंकार होता है, जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि की जाती है या बढ़ाई जाती है तो अर्थालंकार होता है। मुख्य रूप से ये दो ही अलंकार होते हैं। तीसरा अलंकार आप जाएंगे उच्च कक्षाओं में तो पढ़ने को मिलेगा, शब्द और अर्थ यदि दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाई जाती है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। उभयालंकार पर अभी हमें चर्चा नहीं करनी है, इन्हीं मुख्य दो अलंकारों पर चर्चा करनी है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के प्रमुख रूप से जो हमारे सिलेबस में निहित है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इन्हीं को पढ़ना है। जबकि इसके और दो भेद होते हैं, वक्रोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार भी शब्दालंकार के ही भेद होते हैं। अब हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। कहते किसे हैं? हमारे आचार्य में भामा जी अलंकार को तीन रूपों में, जो अलंकार के रूप बताए थे, उपमा, रूपक, यमक और दीपक के बारे में हमारे आचार्य भरत मुनि ने, जो प्रथम सदी में इस अलंकार पर चर्चा जबकि किए थे, जबकि भरत मुनि रस के संस्थापक हैं, लेकिन अलंकार के भी भरत मुनि ने चर्चा किया। हमारे प्रमुख आचार्यों में अलंकार के जो आचार्य हैं, भामा हैं, दंडी हैं, उसके बाद बामन जी हैं, उसके बाद अग्निपुराण, कुंतक, वक्रोक्ति अलंकार के भी चर्चा की गई, जिसके कुंतक जी हैं, और आचार्य भोजराज भी हमारे अलंकार पर चर्चा किए हैं, ये अलंकार के आचार्य लोग हैं। जिसमें शब्दालंकार के जो हमें भेदों को पढ़ना है उसमें प्रमुख रूप से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को पढ़ना है। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है अनुप्रास, ये उपमा को मिटा दो, देखो अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। जब हम अनुप्रास का विच्छेद करेंगे तो अनुपसर्ग है, अनुप्र, नोट करते जाओ बेटा, नोट करो, अनुप्र धन आस से बना है,
धन आस से बना है। अनुपसर्ग का अर्थ होता है पीछे, अनु का मतलब पीछे, प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से, और आस का मतलब होता है, आस का मतलब होता है रखना। अब यहां पीछे प्रकृष्ट रूप से किसको रखना है, तो वर्णों को रखना है, किसको रखना है तो वर्ण को रखना है, तो वर्णों में भी किसको रखना है, व्यंजन वर्णों को, किसको रखना है व्यंजन वर्णों को, व्यंजन वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम में रखना है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग में। जो कठिन वर्ग है ये बाद में हम बतलाने का प्रयास करेंगे, तो इन व्यंजन वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम में रखना है, यानी समान वर्णों की जहां आवृत हो जाए, व्यंजन वर्ण की आवृत हो जाए और असमान स्वर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यंजन वर्णों की समान रूप से आवृत हो जाए, यानी समान वर्णों की जहां आवृत हो, समान वर्णों की आवृत का मतलब यदि क वर्ण की बार बार आवृत हो जाए, क वर्ण की बार बार आवृत हो जाए, च वर्ण की बार बार आवृत हो जाए, ये समान वर्ण है, स्वजाति है, एक जात के हैं, तो कवर्ग या चवर्ग की बार बार आवृत हो जाए, वहां जो है क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसके भी भेद होते हैं, छेका अनुप्रास वृत्या अनुप्रास। तो वृत्या अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की बार बार आवृत हो जाती है, जैसे मैंने कहा तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहां तो की बार बार आवृत हो गई है। अनुप्रास अलंकार में यहां वृत्या अनुप्रास अलंकार है, लेकिन जो हमें सिलेबस में पढ़ना है कि अनुप्रास अलंकार का एक सामान्य आप परिचय जान जाए कि जहां समान वर्णों की आवृत हो जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कितनी करुणा कितने संदेश, पर पहुंचेगा पक्षी दूसरे तट पर उस दिन, प की आवृत हो गई, क की आवृत हो गई कि जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डाल, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, यहां जो है क वर्ण की आवृत हो गई, क वर्ण की आवृत हो गई। तो इसको हमें ध्यान से समझ लेना है कि जहां व्यंजन वर्णों की यानी समान वर्णों की आवृत हो जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। हमें पूरा विश्वास है मेरे बच्चे इसको समझ गए होंगे। अब जो है आगे जो पढ़ेंगे यमक अलंकार, यमक अलंकार में काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आवे, एक ही शब्द हो और दो या दो से अधिक बार आवे और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग बोध कराता हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौ गुने मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहां कनक शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है, इसका अर्थ एक सोना से है, एक कनक का धतूरा से है, ठीक है। मन का डार के, मन का फेर, एक मन का मोती का है और एक मन मन मने हृदय से है। इस तरह हम यमक अलंकार को खूब आसानी से पहचान सकते हैं, काव्य में एक ही शब्द दो बार आ जाए तो हमें यह समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखें।
श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका, चिपका हुआ, चिपका हुआ। यहां एक ही शब्द के साथ, यहां एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, अनेक अर्थ हों जो बार बार आने वाले शब्द को अलग अलग अर्थ दे रहे हों, अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहे हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष, ठीक है। अब श्लेष अलंकार में यहां पानी शब्द का तीन अर्थ है, एक तो मोती के लिए चमक, और मनुष्य के लिए शर्म की बात, और चून आटा के लिए पानी से संबंध बताया जा रहा है। यानी ये कई शब्द के तीन अर्थ व्याप्त हो जा रहे हैं। अब एक मन को देख पट देत बार बार, मंगन को, मंगन को देख पट देत बार बार। यहां पट देत बार बार, पट के दो अर्थ, एक तो वस्त्र, एक किवाड़। बहुत आसान उदाहरण है, सजना है, सजना के लिए, एक सजना का अर्थ है। तो यहां वह तुरंत जो है दो अर्थों में चला जाएगा, तो वहां हमें पहचान लेना है कि वहां यमक हो जाएगा। लेकिन यदि एक ही शब्द में अर्थ चिपके हों तो वहां श्लेष हो जाएगा। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हमें पहचान लेना होगा। एक ही शब्द की दो बार आवृत्त हो जाए, दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा। एक ही शब्द आवे, उसके अनेक अर्थ उसमें चिपके हुए हों, तो वहां क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा, ठीक है। जैसे चिरजिए जोरी जुरे क्यों नसने गंभीर, के घटुए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहां वृषभानुजा के भी तीन अर्थ व्याप्त हैं। एक वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, वृषभानु वृष माने बैल, बैल की बहन से भी अनुजा माने बैल की बहन अर्थात राधा, और वृष माने बैल यानी बैल का मतलब हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। तो यहां भी इसके अनेक अर्थ व्याप्त हुए हैं। एक ही शब्द है, अनेक अर्थ इसमें चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। तो इसको हम खूब आसानी से पहचान लेंगे। अब आ जाए अर्थालंकार। अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से जब हम कोई अलंकार पढ़ेंगे तो अलंकारों में सबसे अच्छा अलंकार माना जाता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अब यहां उपमा अलंकार में उप प्लस मा धातु से बना है। उपमा माने उप प्लस मा धातु से बना है। उप का मतलब क्या होता है, समीप। उप माने समीप, उप माने समीप। और ये जो मा धातु है, मा का मतलब होता है मापना, मा मतलब मापना, मा मतलब मापना। यानी दो वस्तुओं को, दो शब्दों को आपस में मापना, आपस में मापना या तुलना करना। उप, अब जैसे मैंने चश्मा लगाया है, इसे क्या कहेंगे, उपनेत्र। तो उपनेत्र का मतलब उप माने नजदीक, जो आंख के नजदीक हो, आंख के समीप हो। तो यहां जो है उपमा जो है किससे दिया जा रहा है या तुलना किया जाता है, तो
गुण क्रिया के आधार पर हम मापते हैं, रूप हाव भाव उसके गुण के आधार पर हम उसमें समान विशेषता पाते हैं, तब हम तुलना करते हैं उसे उपमा अलंकार। जिसको मापा जाता है एक दूसरे से, तुलना किया जाता है, समानता किया जाता है, और ये उपमा अलंकार जो है चमत्कार पूर्ण शब्द है, ये चमत्कार भी पैदा करता है। अब एक वस्तु दूसरे वस्तु से यहां क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। जैसे तुलना किया जाए कि मुख चंद्र सा है, मुख मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है। अब यहां जो मुख है ये चंद्र से या चंद्रमा से क्या किया गया है, तुलना किया गया है। मुख का तुलना किससे किया गया, चंद्रमा से किया गया। तो इसके उपमा अलंकार के भी कुछ अंग होते हैं जिसको हम जान जाएं। एक तो होता है, पहला होता है, मेरे साथ नोट करते चले जाएं, पहला होता है उपमेय पहला, दूसरा होता है उपमान उपमान, तीसरा होता है वाचक, मेरे साथ लिख ले वाचक शब्द, लिखते रहो वाचक शब्द, और चौथा होता है साधारण धर्म, साधारण धर्म, चौथा होता है साधारण धर्म। अब जिसको मापा जाता है, जिसको मापा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उपमेय। और जिससे, जिसमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको हम उपमान कहते हैं। तो यहां उपमेय उपमेय जो है क्या है, मुख है, और उपमान क्या है, चंद्र है। समझ में आ रहा है मेरी बात, उपमान क्या है, चंद्र है, और मुख क्या है, उपमेय है। अर्थात जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस प्राणी या वस्तु की तुलना जिससे की जाती है, यानी जिससे की जाती है, वह यह किससे किया गया, चंद्र से किया गया, चंद्र से किया गया, उसे हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। दोनों में अंतर समझ लो। जैसे मेरा मुख है, यदि मेरे मुख की तुलना चंद्र से किया जाए तो मेरा मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और जिससे तुलना की जाती है वह क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और जिससे तुलना की जाती है, दोनों में एक समान भाव होता है। तो जिसमें, अब इसके भी भेद होंगे, जिसमें ये उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म सारे पाए जाते हैं। ये कैसे पाए जाते हैं, अब इसको भी थोड़ा सा नोट कर लो। एक तो उपमान है, और साधारण धर्म क्या है, उसका गुण, उसका समान गुण होना चाहिए, और वाचक शब्द सा सी तुल्य सम जैसा ज्यो ऐसे सभी सदृश जो है इसके वाचक शब्द होते हैं, और साधारण धर्म जैसे समान समान गुण व्यक्त होते हैं उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पीपर पात सरिस मन डोला, मैंने लिख दिया पीपर पीपर पात
सरिस मन मन डोला की पर पात सरिस मन डोला। इसमें सरिस शब्द आ गया तो हम जान जाएंगे कि ये सरिस क्या है, वाचक शब्द है, वाचक शब्द है जो उपमा अलंकार में पाया जाता है। सासी से तुल्य सम जैसा सरिस सदृश्य ये वाचक शब्द, ऐसे से जो शब्द हैं वो वाचक रूप में पाए जाते हैं। तो एक तो सरिस शब्द आ गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया वाचक, नोट कर लो वाचक शब्द हो गया, वाचक शब्द हो गया। अभी अभी हमने बताया कि पीपर पात मन क्या है, मन, ये जो मन है, ये जो मन है उपमेय है, ये मन क्या है उपमेय है, और इस उपमेय की तुलना किससे की गई है कि पीपर के पत्ते से। तनिक भी हवा बहने पर क्या होता है, पीपर का पत्ता जो है डोलने लगता है, तो ये पीपर पात क्या हो जाएगा, उपमान, उपमान हो जाएगा। और चूंकि जिस तरह से पीपर का पत्ता तनिक भी हवा बहने पर डोलने लगता है, उसी तरह व्यक्ति का जो मन है हमेशा डोलता रहता है, हमेशा क्या करता रहता है, चंचल रहता है। तो ये जो डोला शब्द है ये दोनों में समान गुण पाया जाता है। पीपर के पत्ते में जो गुण व्याप्त है कि हमेशा वह तनिक भी हवा से डोलता रहता है, उसी तरह मन भी क्या होता है, चंचल रहता है, हमेशा डोलता रहता है। तो ये जो डोला शब्द है ये साधारण धर्म है। किस नाम से जानेंगे, साधारण, साधारण धर्म के नाम से, साधारण धर्म के नाम से जानेंगे। इतनी बात समझ में आई क्या। अब हम इसको भी दो भागों में पढ़ेंगे, पूर्णोपमा दो में, एक तो पूर्णोपमा अलंकार के रूप में और एक लुप्तोपमा अलंकार के रूप में। तो जिसमें ये सारे गुण व्याप्त होंगे, उपमेय होगा, उपमान होगा, वाचक शब्द होगा, साधारण धर्म होगा, उसे हम पूर्णोपमा कहेंगे। पूर्णोपमा उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार कहेंगे, पूर्णोपमा अलंकार कहेंगे। और जिसमें एक भी वाचक शब्द यदि न पाया जाए, ये जो अंग है उपमा अलंकार के, यदि एक भी न हो तो वहां लुप्त उपमा अलंकार कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। फिर से देख लें, एक और उदाहरण से देख लें कि पाप, एक और उसका उदाहरण देख लें, जिस तरह से हमने इसको समझा कि पीपर पात सरिस मन डोला में उपमान क्या है, उपमेय क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है, और इसके वाचक शब्द कौन कौन से आते हैं। तो वाचक शब्द आप लिख लें, सा सी तुल्य, सा सी तुल्य, सा सी से तुल्य, शायद बुक में दिया होगा, सम जैसा ज्यो, नोट कर लें, सम जैसा ज्यो, नाई ऐसा से सरिस और सदृश वाचक आते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि सारे बच्चे इस उपमा अलंकार को समझ गए होंगे। इसमें तुलना किया जाता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु या प्राणी से, तुलना किया जाता है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची में भी इन अलंकारों को, जो उपमा अलंकार के जो जितने धर्म है
वो सारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे जो अलंकार है, दरवाजा बंद कर दो। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार पूरा विश्वास है जिस तरह से आप उपमा अलंकार को समझने का प्रयास किया उसी तरह रूपक अलंकार को भी आप समझ जाएंगे। इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, सारी चीज हम जान चुके हैं। अब पढ़ेंगे रूपक अलंकार, इसको भी मनोयोग से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण, रूपक अलंकार में जहां गुण के अत्यंत समानता के कारण क्या होता है, उपमेय ही उपमान का अभेद, उपमेय और उपमान। अभी मैंने यहां बताया उपमेय और उपमान, उपमान में कोई भेद न रह जाए, उपमेय और उपमान में क्या हो, कोई भेद न रह जाए या भेद न हो पावे, वहां जो है ये रूपक अलंकार होता है। यानी जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आपको आरोपित किया जाए, दोनों क्या हो जाए, उपमेय और उपमान एक हो जाए, जिसमें हम कोई भेद न कर पाए, अभेद न कर पाए, वहां जो है रूपक अलंकार होता है। जैसे मैंने कहा चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात भगवान का जो चरण है कमल के समान है। यहाँ चरण और कमल में मैं भेद नहीं कि भगवान का चरण कमलवत है, और इसमें हम क्या करें, इसमें हम कोई अंतर न कर पावे, चरण और कमल में कोई अंतर न कर पावे, भगवान का जो चरण है कमल के समान है, कमल ही चरण है या चरण ही कमल है, इसमें हम क्या कर पाए, कोई भेद न कर पाए, इसमें जो है हम कोई अंतर न कर पाए। अब जहां गुण की अत्यंत समानता हो जाए, एक ही गुण हो जाए, चरण और कमल का जो गुण मैंने बताया क्या हो जाए, एक ही गुण हो जाए, और समानता के कारण उपमेय और उपमान, जिससे हम उपमेय और उपमान जिससे तुलना करते हैं और जिसकी तुलना करते हैं उसमें कोई अभेद, कोई भेद आरोपित न रह जाए, कोई अंतर न रह जाए, दोनों एक हो जाए, उपमेय और उपमान जिससे हम तुलना करते हैं और जिसकी तुलना करते हैं जब दोनों में कोई अंतर न रह जाए, दोनों एक हो जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरदाई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुण पद बोले, रंक धरे सिर छत्र धराई, सूर दास करुणामय बार बार बंदो तैनाई। यहाँ जो भगवान का चरण है कमल के समान है। कमल के समान क्यों है, कि जिस तरह भगवान का चरण इस संसारिक मोहमाया रूपी वृत्तियों में रहते हुए भी इस संसारिक मोहमाया से विरक्त है, उसी प्रकार जो कमल है कीचड़ में रहता है, जल में निवास करता है, फिर भी उसके पत्ते पर यदि जल को छिड़का जाए तो वह ग्रहण नहीं करता है, जिस प्रकार भगवान का जो चरण है इस संसारिक मोहमाया में रहते हुए भी इस संसार से विरक्त है, तो दोनों के गुण में कोई अंतर नहीं, दोनों क्या हो गए, एक हो गए। भगवान का चरण और कमल में कोई अंतर हमें नहीं दिखाई दिया, दोनों एक हो गए। भगवान का चरण और कमल में कोई भेद हमने नहीं कर पाया, दोनों एक हो गए। यानी जो भगवान के चरण का गुण है वही गुण क्या है, कमल का है, और दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाए, एक हो गए, वहां रूपक अलंकार होगा। ये बात मेरी समझ में आ गई। अब देखें
रूपक अलंकार में मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। अब यहां चंद्र खिलौना लय हूं, ये जो खिलौना है और चंद्रमा है में कोई हम भेद नहीं कर पाए, दोनों एक एक हो गया। खिलौना ही क्या हो गया, चंद्र हो गया, और चंद्र ही क्या हो गया, खिलौना हो गया। दोनों में मैंने कोई अंतर यदि नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। राम नाम मणि दीप धरू दीह देहरी द्वार, इसमें भी मैं कोई भेद नहीं कर पाए इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो गया। बार मन मीन भिन्न नहीं हो तो कबहू पल एक, ससमुख ससमुख भूघट डाले आंचल में दीप छिपाए। इस तरह से हम रूपक अलंकार को पहचान सकते हैं। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। टाइम आउट हो गया क्या? दस मिनट दिखा रहा है क्या, कितना मिनट है देखो तो। बच्चों को खोल दो, अच्छा चलो। चलो समाप्त हो जाएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। उपमा रूपक में थोड़ा अंतर समझा दीजिए सर। क्या बेटा? उपमा में तुलना किया जाता है, और रूपक में क्या होता है, उपमेय और उपमान एक हो जाता है। दोनों में अंतर समझ जाओ। उपमा में हम क्या करते हैं, दो वस्तु या प्राणी की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तुलना करते हैं। और रूपक में क्या होता है, ये उपमेय है और उपमान है, दोनों में हम कोई भेद नहीं कर पाते, दोनों क्या हो जाता है, एक हो जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। दोनों में अंतर समझ जाओ। और इसके वाचक जो मैंने अभी वाचक शब्द बताए उसको ध्यान में देना है। जैसे मैंने बताया पीपर पात सरिस मंडोला, अभी इसका उदाहरण बताया है, और इसके चारों रूपों को मैंने बताया। जैसे लिख दिया कि पीपर, अब चूंकि समय भी कम है, पीपर पात सरिस मन डोला में देखो, ये पीपर पात, ये सरिस जो है वाचक है, वाचक शब्द है। मन जो है उपमेय है। ये पीपर पात जिससे तुलना की जा रही है उपमान है। और ये जैसे पीपर का पत्ता डोलता है, कम हवा में पीपर का पत्ता डोलता है, उसी तरह मन डोलता है। दोनों में समान गुण हैं, और जहां दोनों